अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हाजिर आपका भाई फिर से एक नए M3U फाइल के साथ। और आज की वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं M3U का नया फाइल, जिसमें आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स के चैनल देखने को मिलेंगे, क्योंकि कमेंट आ रहे थे, मेरे भाई कर रहे थे और मैं वीडियो में थोड़ा सा लेट भी हो चुका था, तो इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने आऊँ फिर से नया M3U फाइल, जिसके ज़रिए आप लाखों चैनल देख सकते हैं, यानी हज़ारों चैनल आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन, एंड्रॉयड स्क्रीन। और उसके अलावा दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्टिंग मैं ज़रूर करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल टेक सर्वर को तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो लेटेस्ट M3U फाइल शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि कैसे आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें कौन कौन से चैनल ऐड किए गए हैं। यहाँ पे जो चैनल आप लोगों को मिल सकते हैं, स्पोर्ट्स के चैनल आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे, उसने कहा था कि यार कोई ऐसा M3U फाइल बताओ जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स के चैनल ऐड हो और उसमें हम स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड LED स्क्रीन पे या अपने रिसीवर पे, या फिर उसके अलावा आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो आज जौन सा मैं आप लोगों के साथ ये M3U फाइल शेयर कर रहा हूँ, तो इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर। और आप ये भी जानना चाहते हैं कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उस पेज पर यानी मेरे ब्लॉगर पर आपको कंप्लीट डिटेल भी मिल जाएगी। उसके अलावा आप कैसे उसको ऐड करके वॉच कर सकते हैं, यहां भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूं, क्योंकि अगर कोई नया बंदा मेरे चैनल पे आ चुका है इस वीडियो पे, तो उसको ये बता दूं कि IPTV स्मार्टर आपने डाउनलोड करना है, एप्स डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने ये M3U फाइल को उठा के उसमें ऐड करना है। यानी जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपको M3U वाले सेक्शन में जाके वहां पर आपने M3U फाइल को सेलेक्ट करना है। कोई भी नाम ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना, आपने क्या करना है, सिंपल प्लेलिस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपके पास जितने भी चैनल होंगे लेटेस्ट आपके सामने आ जाएंगे और आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और मुल्क, किसी भी कंट्री का M3U फाइल चाहिए तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।